महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत के बीच जहां एकनाथ शिंदे ने नया सीएम पद संभाला तो चर्चाओं में एक नाम काफी समय से रहा है, वो नाम है राज ठाकरे का। जी हां, अभी खबर सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात करने गए, जहां पर भव्य स्वागत भी हुआ उनका, लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात के बाद उसके राजनीतिक मायने निकाले गए। लेकिन इन सबके पीछे देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही खुलासा करते हुए बताया कि बीमार थे, हम तो बस मुलाकात करने गए थे, राजनीतिक फायदा कुछ नहीं है। लेकिन आप सभी को बता दें, एकनाथ शिंदे की उन फोन कॉल्स के बारे में जब बगावत की गई थी तो किस तरीके से राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हो रही थी, ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जहां बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ शिंदे और राज ठाकरे को लेकर कुछ अलग ही मीटिंग्स की खबरें थी। जानकारी के अनुसार बागी कैंप और मनसे के बीच लगातार फोन पर बातचीत हुई थी तब, और सीक्रेट मीटिंग्स की खबरें भी सामने आई थी। विशेष सूत्रों के अनुसार शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे के विश्वसनीय व्यक्ति से फोन पर लगभग 4 बार फोन पर बात हुई थी। आगे ये भी बातचीत जारी होने के कयास लगाए जा रहे थे तब कि शिवसेना के ठाकरे सरनेम के प्रभावी के विकल्प के रूप में राज ठाकरे से बागी दल की इस करीबी के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही रहते हैं, उनके फैसलों के खिलाफ रहते हैं, और ऐसे में एकनाथ शिंदे का गुट अगर राज ठाकरे के साथ तब हाथ मिला लेता तो जो उनकी एक तरीके से तलवार लटकी हुई थी कानूनी, वो भी बसते नजर आते, और दूसरी तरफ वहां पर उनको सपोर्ट में मिल जाता राज ठाकरे का। शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी कैंप और राज ठाकरे इन नज़दीकियों को शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता बचाने की कवायद के रूप में देख रहे थे। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना विधानसभा और चुनाव आयोग के द्वारा एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है, यानी कि उसको पूरा दर्जा मिला हुआ है राजनीतिक पार्टी के तौर पर। विधानसभा की ओर से शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के खतरे से सुरक्षा के रूप में नजदीकियों को तब देखा गया था। साथ ही बागी कैंप के मनसे में मर्ज होने की संभावना के रूप में भी इसे तब देखा जा रहा था। यह भी कहा गया था कि 4 बार फोन पर बातचीत हुई थी एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच, तब जाकर कई सारे यहां पर बातें निकलकर सामने आई, लेकिन उसके बाद तस्वीर ये साफ कर दी गई थी कि वो मनसे में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगकर सीएम बनाया था एकनाथ शिंदे को, आप सबने वो पूरा सियासी संकट देखा था। लेकिन इन सबके बीच राज ठाकरे की भूमिका क्यों इतनी अहम है, जबकि उनके पास ज्यादा विधायकों का गुट भी नहीं है, इतना बड़ा समर्थन उनके पास रहता है लेकिन राजनीतिक तौर पर वो अभी इतने मजबूत नहीं नजर आते। पार्टी बहुत बड़ी है, मजबूत पार्टी है, जन समर्थन बहुत ज्यादा है, लेकिन विधायकों की गिनती उनके पास कम है इस लिहाज से बाकी सारी पार्टियों के मुकाबले में। लेकिन उनका नाम, उनका ओहदा, उनका सम्मान, उनकी राजनीतिक पार्टी हर किसी के मन में डर बैठाए रखते, इसी वजह से तब एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की खबरें सामने आई थी। उस बीच ये भी खबरें थी कि राज ठाकरे की तब तबीयत ज्यादा खराब थी, तो हालचाल भी पूछा गया था और राजनीतिक मायने भी उसके कई निकाले गए थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात के बाद काफी यहाँ पर सियासत जारी है, और ये कहा जा रहा है आने वाले पार्षद चुनाव में उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, और देवेंद्र फडणवीस जल्दी इसको लेकर कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत और बदलती है, और राज ठाकरे मिलकर यहां पर देवेंद्र फडणवीस का क्या आगे तक साथ देंगे। और जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद संभालते नजर आए थे तब भी राज ठाकरे ने उनको कई तमाम बधाइयां भी दी थी, ये सारी बातें खुलकर सामने आई थी। लेकिन अब इन सब राजनीतिक समीकरण के बीच देखते हैं किस तरीके से राजनीतिक उठापटक और होती है, और उद्धव ठाकरे को कैसे और बड़े झटके लगते हैं। सीएम पद से तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, लेकिन शिवसेना और बाकी यहां पर तमाम जो राजनीतिक कार्य हैं उनको लेकर क्या ऐलान होते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।